तो दोस्तों आज मैं एक गोदरेज रेफ्रिजरेटर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पोस्टर रेफ्रिजरेटर है और इसका मतलब जो भी डोर वगैरह है वो काफ़ी शानदार देखने को लग रहा है। तो चलिए देख लेता हूँ इस रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो जूम करके तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, तो देख सकते हैं ये देखिए ये ऊपर का पोर्शन है और ये यहाँ पर जो ये इसका एक काफ़ी अच्छा हैंडल दिया गया है और इसका नीचे देखिए ये एक ऊपर का जो एक सिंगल डोर है और नीचे यहाँ पर भी एक ड्रॉ है और नीचे और एक भी ड्रॉ है ड्रॉयर है, मतलब दो इसमें ड्रॉयर इसमें आपको मिल जाता है और एक डोर इसमें बड़ा सा मिल जाता है। तो इसका अंदर का देख लेता हूँ। तो इसके अंदर में देख सकते हैं ये देखिए ये ऊपर में जो मतलब डीप फ्रिज है, मतलब जो भी फ्रोजन आइटम यहाँ पर रख सकते हैं और इसका जो मतलब कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो अंदर ही इसके अंदर ही दिया गया है। तो जिसके साइड में आप देख सकते हैं ये देखिए, और इसका नीचे देखिए नीचे इसमें बहुत सारा रैक इसमें आपको देखने को मिल जाता है। देखिए ऊपर का एक है, नीचे दो तीन चार पाँच रैक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच रैक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और ये साइड के अंदर देख सकते हैं इसमें आपको काफ़ी सारा बॉटल रखने के लिए जगह दिया गया है ये देखिए। और सबसे ऊपर में जैसे देख सकते हैं ये मतलब कोई भी एग्स वगैरह मतलब अंडा वगैरह रखने के लिए यहाँ पर एक ट्रे दिया गया है और जो कि इसमें अंडा रख सकता है। तो इसके साइड से भी देख लेता हूँ ये देखिए, ये इसके साइड से फ्रिज का जो मतलब हाइट है वो 155.7 सेंटीमीटर का है और इसका जो इसका जो हाइट है ये देखिए और इसका जो मतलब साइड का जो चौड़ाई है वो देखिए 76.2 सेंटीमीटर का है और आगे का सामने का जो चौड़ाई है वो 69.2 सेंटीमीटर का है। तो ये देख सकते अभी मैं इसका जो नीचे का जो मैं ड्रॉयर के बाद बताया था तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे एक पोर्शन दिया गया है जो कि मतलब जो भी वेजिटेबल्स वगैरह वो इसके नीचे यहाँ पर रख सकता है। ये देखिए काफ़ी बड़ा एक ड्रॉ दिया गया है जहाँ पर मतलब जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स यहाँ पर रख सकता है। और सबसे नीचे एक ड्रॉ जो है जो भी मतलब ड्राई मतलब प्रोडक्ट मतलब जो भी ड्राई आइटम है वो यहाँ पर रख सकता है, जैसे कि पोटैटो वगैरह हो गए, अनियंस गार्लिक्स जो भी है इसके नीचे रख सकता है। तो इसका मतलब और भी क्लियरली मैं दिखा देता हूँ और एक बार ये देखिए ये ऊपर का पोर्शन है और ऊपर का जो भी मतलब फ्रोजन आइटम्स यहाँ पर रख सकते हैं और नीचे का देखिए कैसे रखा है, मतलब जो भी आइटम्स वगैरह कैसे अच्छे से अरेंज करके यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी सारा जगह इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और नीचे तो नीचे वेजिटेबल के लिए सेपरेट एक जगह दिया है और नीचे सबसे नीचे और एक वेजिटेबल्स के लिए जगह है। और ये साइड का देखा जाए तो ये देखिए जैसे कि देख सकते मैं बताया था कोई भी बॉटल्स वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। ये साइड में सबसे ऊपर में एग्स रखने का जगह यहाँ पर दिया गया है। और इसका पीछे का मैं देखा जाए तो कितना कुछ खास नहीं है, पीछे का जो भी मतलब इलेक्ट्रिक का जो भी सामान है पीछे लगाया और कंप्रेसर का जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल जो वायर वगैरह है पीछे है इसका। तो दोस्तों इसके बारे में अभी डिटेल्स अब उनको बता देता हूँ इस रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये एक रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है लेकिन फिर भी इसमें आपको दो ड्रायर मिल जाता है जो कि वेजिटेबल्स रखने के लिए, और एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, और इसका जो कंप्रेसर का जो टाइप है वो इन्वर्टर कंप्रेसर है और इसका जो कैपेसिटी है वो 225 लीटर का है ये रेफ्रिजरेटर। और इसमें डोर देखिए एक सिंगल डोर इसमें आपको मिल जाएगा और इसका जो स्टार है मतलब ये फोर-स्टार रेफ्रिजरेटर मतलब जो कि मतलब बहुत ही कम मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें चाहिए होता है, तो साल में पूरा साल में मतलब बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी इसमें लगता है। और इसमें मतलब स्टेबलाइजर का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्टेबलाइजर इसमें है, इसमें इसमें बिल्ट इन स्टेबलाइजर देखिए ये इसमें मतलब इसमें ऑलरेडी स्टेबलाइजर के साथ ही ये रेफ्रिजरेटर आता है। और
इस वजह इस मतलब इस रेफ्रिजरेटर का जो वेट है वो मतलब 52 kg का है, और इसमें आपको मिल जाएंगे 1 साल का प्रोडक्ट का जो मतलब वारंटी है, 1 साल का वारंटी है, लेकिन इसका जो कंप्रेसर का जो वारंटी है वो 10 साल का, मतलब 10 ईयर्स का इसमें कंप्रेसर का वारंटी गोदरेज ने दे रहा है सबको, और जो कि काफ़ी अच्छा है। और तो फिर अगर इसका प्राइस का बात किया जाए तो इसका जो प्राइस जो है वो ऑनलाइन में इसका जो प्राइस है ओरिजिनल वो है 23,040 रुपये, जो कि आपको डिस्काउंट में ये मिल जाता है मतलब 21,499 रुपये, मतलब 21,500 में अंदर ये आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन में अगर इसको खरीदना चाहता है तो। ऑफलाइन इसका प्राइस अलग अलग होता है अलग अलग सेलर के पास, लेकिन मतलब 21,000 साढ़े 21,000 के अंदर ये आपको मिल जाएंगे।